तीन दिवसापासून लापता असलेल्या कळमना पोलीस स्टेशन हद्दीतील इसामाचा मृतदेह गुलशननगर पाणी टाकीत सापडला. पोलिसांनी त्याच्या खिशातील मोबाईलवरून त्याची ओळख पटवून मृताच्या परिजनांना घटनेची माहिती दिली. मृताच्या परिजनांना हत्या झाल्याचा संशय असून ही हत्या की पुन्हा काय याचा उलगडा हा शवविच्छेदनानंतर स्पष्ट होईल. जावेद अहमद अन्सारी असे मृतकाचे नाव आहे. मेरा नाम है मोहम्मद जुबेर अंसारी. मेरे भाई का नाम है जावेद अहमद अंसारी. 12 तारीख के दिन मेरा भाई दिन भर घुमा फिरा अपने एक दोस्त के साथ में, नशा पानी करे लोगों ने. और उसके बाद में रात में 9:30 बजे घर पर आया. वो ई रिक्शा चलाता था, चार्जिंग पे रिक्शा लगाया. चार्जिंग पे लगाने के बाद में अपने एक दोस्त के साथ में गया. मोबाइल पे उसके दोस्त भाई लोग से बात भी उसकी फोन पे. 11-12 बजे तक उसका मोबाइल चालू था. उसके बाद में 11-12 बजे के आसपास उसका मोबाइल बंद हो गया और उसकी कोई खबर नहीं थी. और अभी परसों के दिन गुरुवार के दिन उसकी बॉडी मिली. 15 तारीख की बॉडी मिली है उसकी गुलशन नगर पानी फिल्टर में. वहाँ उसकी बॉडी मिली है. तो उसकी बॉडी में से मोबाइल निकला, तो मोबाइल में सिम निकाले, तो हमारे को इन्फॉर्म हुआ यहाँ उसकी बॉडी मिली है. हमारे को डाउट जा रहा है कि कुछ दोस्त लोग साथ में थे, उनने कुछ करे. भाई की उम्र थी हमारे 33-34 साल की उम्र थी. ये रिक्शा चलाते थे किराए से. शौक पानी करता था वो साथ के दोस्तों के साथ में शौक पानी करता था. लेकिन अभी सुधर गया था. उसी दिन 12 तारीख के दिन मंडे के दिन में उन्होंने कुछ शौक पानी कराया. उस दिन से इसकी कोई खबर नहीं थी. और उस दिन अपने को डेड बॉडी मिली परसों के दिन इसकी गुरुवार के दिन. ये 3 दिन से गायब था. 3 से 4 दिन हो गया था और उसकी बॉडी मिली पानी में. तो 3 दिन के अंदर बॉडी मिली. कंप्लेन नहीं डाले थे. फोन आया, मुझे लगा कि शायद से कहीं होगा घर वर में या कहीं घूमने फिरने गया हुआ. मोबाइल में बंद है इसका. लेकिन जब पुलिस स्टेशन में फोन आया, पुलिस वालों को पता चला कि उसकी बॉडी मिली है.